टीबी के मरीजों के लिए विशेष अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने इन दिनों टीबी के मरीजों की पहचान के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। नैनीताल जिले में लगभग 1,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हजारों लोगों की बलगम की जांच की गई है, जिसमें 17 टीबी के पॉजिटिव मामले मिले हैं। इसके अलावा अब दूसरे चरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर भगीरथी जोशी का कहना है कि जिले का टीबी रोकथाम विभाग क्षेत्र में आशाओं की मदद से इस अभियान को चला रहा है। इसके तहत व्यापक रूप से 1,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है और टीबी के पॉजिटिव मरीजों का पता लगाकर उनका उपचार करना है। टीबी में आजकल एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान चल रहा है। इसमें हमें 1,00,000 लोगों की करीब स्क्रीनिंग करनी है। दो चरण हमने नैनीताल और रामनगर में कर लिए हैं, जिसमें से करीब 17 केस पॉजिटिव आए हैं। अब ये तीसरा चरण कर रहे हैं हल्द्वानी में, उसके बाद फिर बनगुलपुरा और दूसरी आबादी में होगा। तो आज हम 15 आज का जो चरण की शुरुआत हो रही है, इसमें 15,000 लोगों के करीब हम स्क्रीनिंग करेंगे। किस तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है इसमें? बलगम की जाँच होती है। और पहले कब तक चलता रहेगा? 1,00,000 तक हमें करना है, 1,00,000 की आबादी का जो टारगेट है। जागरूक भी किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। कौन सा काम करेंगे इसमें? ये आशाएं कर रही हैं, इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं और हमारा जो टीबी यूनिट का स्टाफ है वो काम कर रहा है।